किसान आंदोलन को आज 66 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तौर पर चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। सबसे ज्यादा किसान हरियाणा से आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार की साजिश थी कि वो हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहती थी, लेकिन अब हम घर वापस तभी जाएंगे जब ये तीनों कानून वापस होंगे। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्यमंत्री किसान हड़ताल भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं चांद पहलवान गांव सिसणा दैया खाप और सोनीपत हरियाणा, मैं यही कहूँगा मोदी सरकार ने जो काले कानून बनाए हैं इनको जल्दी से जल्दी वापस ले, और मोदी सरकार जो किसानों में जुल्म डाल रही है शुरू से, जब से बनाया जब से खट्टर रहा मोदी सरकार, जब से इन्हें जितने भी काम करे हैं वो सारे किसान के हक में नहीं किए हैं। और जैसे शुरू में किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात करी थी, झूठ बोल दी, फिर इन्हें GST बोली, फिर ने रात को 9 तारीख को नोटबंदी कर दी, जो किसान पे बहुत भारा, व्यापारी पे, दुकानदार पे, ट्रांसपोर्टर पे, हर आदमी पे बहुत मुसीबत हुई थी। ये जब भी मन की बात करता है ये अब अपनी करता है, ना किसी की सलाह लेते, ना जब ये काला कानून बनाया किसानों पे इन्हें सहमत करनी चाहिए थी, किसान बुलाने चाहिए थे, बूझनी चाहिए थी, लेकिन जो अडानी अम्बानी जो ये साहूकार हैं इनकी सरकार की बन के रहेगी, ना कि किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, ये खाली उनकी व्यापारियों की सरकार है, ना कि किसान की सरकार है। भूख हड़ताल का फैसला लेंगे जल्दी से जल्दी, अब तो हमारे 11 आदमी बैठते हैं, नहीं तो सारे खापे से बात करके हजारों की संख्या में भूख हड़ताल में बैठेंगे। और आज ये कोरोना के नाम पे इतना डरा रहे हैं, आज भी कोरोना कहाँ है, हमने 64-65 दिन हो गए, आज पंजाब, राजस्थान, यूपी जितने भाई है सारे इतने प्यार से यहाँ रहते हैं, और कभी आज तक एक आदमी को भी साबित कर देगी कोरोना कहाँ है। ये कोरोना के नाम पे बिल्कुल ये बकाया जा रहा है, ठगाया जा रहा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बातें। और काला कानून वापिस, और अपील है मेरी भाई, जितने भी भाई मेरी बात सुन रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों पर एक ताकत, आज टाइम आ गया है, एक टाइम ऐसा टाइम आ गया, ये नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जो भी अन खाता हो भाई, मेरी अपील है मात्र शक्ति, नारी शक्ति और बड़े छोटे वीर परा, जो भी भाई है मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वह वोटरों पर आने का काम करे। वही दहिया खाप के प्रधान कृष्ण दहिया ने हरियाणा की सेहरावत खाप से अपील की है। उन्होंने कहा कि सिंघू बॉर्डर सेहरावत खाप की भूमि है और सेहरावत खाप को आगे आकर आज किसानों का साथ देना चाहिए। भाई वे गर्सन प्रधान दहिया खाप, भाई ये सुनो भाई, हम अपनी से की वो मैसेज देना चाहवा हाँ, कल जो है ना दहिया खाप के चबूतरे पे पूरा दहिया इकट्ठा होया था, हजारों की संख्या में जो है ना पंचायत थी, और उसमें ये निर्णय लिया गया है अग भाई जब तक जो है ना ये तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेती, दहिया खाप का जन बच्चा जो है ना इसके समर्थन में खड़ा है, और पहले 2 महीने से लंगर चला रहे हैं या इनकी सेवा में लग रहे हैं और इनकी सेवा के लिए खड़े रहेंगे। और एक हम दहिया खाप की तरफ से एक अपील करें सहरावत खाप को, अग भाई सहरावत की बावनी की धरती पर अतिथि देव भव बैठे हैं, सिंघू जो है ना सहरावत में पड़ता है, क्या सहरावत का ये इतिहास तो नहीं रहा, कौन की भूमि पर कोई अतिथि आवर उसके ऊपर कोई उनके नाम से आगे हमला कर दे, वे अपनी अपना पैर अपने आप दें, हक भाई जो है ना कई बाहर से आगे कुछ गुंडे और सहरावत को बदनाम करें, एक शंघु गांव की भूमि में जो है ना किसानों पर हमला हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, और सहरावत खाप से अपील करते हैं कि भाई जो है ना वो अपनी भूमि में अपनी रक्षा करे और इन किसानों को अपने सहरावत का जो इतिहास है उसको जो बरकरार रखने के लिए जो है ना यहाँ स्टेज पर आए और को अपना समर्थन जारी करे। कुछ किसान भूख हड़ताल पे भी है, किसान जो है ना भूख हड़ताल पे हैं और जो ना रोजाना बैठते हैं, और उनके बारे में जो फैसला हमारा जो एडवाइजरी देंगे जो नेता हैं स्टेज का जो संचालक करने वाले नेता हैं उनसे अलग हम कुछ भी नहीं करना चाहेंगे, वे जो वहाँ निर्देश होगा, किसान एक है, एक था, एक रहेगा, सरकार की जो ये साजिश है और जो ये बताया गया कि हम शंघू गाँव में गए थे, शंघू गाँव का एक भी लड़का नहीं था उनमें, जो अब वीडियो देख लो, पर
शंघू गांव का एक भी लड़का नहीं था, कोई बवाने का नहीं था, आसपास का कोई नहीं था। तो सारा उत्खाप से ये फिर दोबारा अपील है कि यहाँ आगे अपनी जो है ना पहरेदारी दें और अपनी जो है ना अपने का उसका किसान होने का और सबूत पेश करें, नहीं तो उनके ऊपर प्रसन्न है ये उनकी भूमि के ऊपर किसान के पंजाब से आए हुए भाइयों पर माताओं बहनों पर हमला होता है तो सारा उत्खाप पर धब्बा लग जाएगा। इसको मिटाने का काम करें, आगे यहाँ अपना उनको संभालें और अपना जवाब दें। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं की भूख हड़ताल जारी है। आंदोलन को सद्भावना और शांतिपूर्वक तरीके से चलाने के लिए लोगों से अपील की गई है कि ऐसे लोगों पर नजर रखें जो इस आंदोलन को बदनाम और तोड़ना चाहते हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी।